आज एक तो ना मेरे को स्कूटी चलाने में बहुत तकलीफ हो रही है, उसका रीज़न है ये। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के लगभग 7 बज रहे हैं और सेकंड व्लॉग है। आज शूट पर जा रहा हूँ तो आपको दिखाता हूँ। मैं एक्चुअली जा कर आ रहा हूँ, ये स्कूटी ले रखी है, स्कूटी से जा रहा हूँ क्योंकि मेट्रो वगैरह बंद चल रही है। मैं जा रहा हूँ गुड़गांव, तो आज व्लॉग करते रहेंगे और शूट पे भी दिखाऊंगा आपको बहुत सारी चीज़ें कि एग्जैक्टली शूट पर होता क्या क्या है। अभी एक्सप्रेस वे पर रुका हुआ हूँ, कॉल कर रहा था। सावन है, एक लड़का है साथ का ही, तो वो गुड़गांव रहता है, तो कह रहा था कि भैया तो शूट पर जाओ तो मुझे भी फ़ोन कर देना, जगा देना ताकि मैं भी साथ में चलूँगा आपके। उधर कॉल किया है तो कॉल उसने उठाया नहीं है, तो देखते हैं क्या होता है। तो एक ना आज एक तो ना मेरे को स्कूटी चलाने में बहुत तकलीफ हो रही है, उसका रीज़न है ये, क्योंकि हाथ में लग गई चोट किसी वजह से लग गई थी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। देखो अभी यार क्या हुआ, अभी ना मैं मैप देखने के लिए जेब से फ़ोन निकाला था स्कूटी पे चलाते समय, तो हुआ क्या, गलती से मेरे हाथ से ना फ़ोन गिर गया, फ़ोन गिरा इधर सड़क पे, तो फिर उठा के लेके आया मैं, मतलब बच गया फ़ोन, क्योंकि फ़ोन पे ना कवर लगा हुआ था तो इस वजह से फ़ोन बच गया। लेकिन मुझे लग रहा था कोई गाड़ी वाड़ी चढ़ा के चला जाएगा इस पर फ़ोन पर, पता नहीं कैसे नसीब अच्छे थे फ़ोन बच गया मेरा। यार बहुत तगड़ा नुकसान हो जाता आज सुबह सुबह, वरना यार स्कूटी चलाते हुए ना फ़ोन निकालना नहीं चाहिए। लेकिन मैं क्या करूँ, क्योंकि ना आज एक तो लॉकडाउन है यूपी में, और वरना ना मैं अपनी स्कूटी में ना एक स्टैंड लगवा था जिस पर ना फ़ोन अपना लगा लो और मैप वैप देखते रहो रास्ते में। लेकिन अब मैं कर लूँगा ये चीज़, क्योंकि मुझे दिख गया, वरना फ़ोन बेटा टूटना ही टूटना था, आज बच गया है, नसीब अच्छा था। ऊपर वाले ने इशारा किया है कि अब लगवा लो वरना फ़ोन टूट जाएगा, क्योंकि गिरा, गिरने के बाद लगभग 100 मीटर आगे मैं आ गया स्कूटी लेके, क्योंकि फ़ोन मेरा गिरा उधर बहुत दूर, ठीक है, यहाँ तक मेरी स्कूटी आई, मैंने साइड में लगाई, फिर मैं गया उतर के लेके आया वहाँ से। लोग इशारा कर रहे भैया तुम्हारा फ़ोन गिर गया है, मैंने कहा बच गया। अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने जो लोकेशन लगा रखी है वो लगा रखी है गुड़गांव में राजीव चौक की, गुड़गांव में राजीव चौक, तो अभी यहाँ से 41 किलोमीटर दिखा रहा है बचा हुआ। सावन को कॉल किया था, सावन ने कॉल उठाया नहीं, तो शायद मुझे लग रहा है सो रहा है, अब आ नहीं पाएगा वो, वहाँ पे जाकर उसे एक बार और कॉल ट्राई कर लूँगा। और आज ना दिखाता हूँ आपको शूट पे एग्जैक्टली होता क्या क्या है, और करते हैं व्लॉग साथ में। मैं राजीव चौक पहुंच गया हूं, सावन आने वाला है, उसका वेट कर रहा हूं, फिर उसे लेके जो शूट वाली लोकेशन है एक जगह चंदू, वहां पर जाएंगे। देखो ये है सावन जिसे सुबह से मैं फ़ोन कर रहा हूं, ये सो के उठा, फिर इसने फ़ोन उठाया, अभी हमें राजीव चौक मिल चुका है। देखो लोकेशन पे आ चुके हैं हम। सावन भाई स्टार्ट करने वाले हैं, ये अपने भाई है, ये है प्रमोद भाई, नीतेश भाई, एक भाई अंदर है, इन्होंने वैसे हमारे साथ धोखा किया है, जो बात है इन्होंने बताया था हमें कुछ और, बुला कहीं और रहे हैं, बदला लूँगा इस चीज़ का मैं भी, जल्दी लूँगा। कैसी लगी लोकेशन भाई? लोकेशन बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी मॉडल आ गया। झूठ बोलते थे वन भाई, झूठ स्टार्ट कर रहे हैं। नितेश भाई तुम्हें लोकेशन अच्छी लगी? भाई बढ़िया भाई, हमारे यार ग्रेटर नोएडा है ना, मैं दूंगा तुम्हें लोकेशन। अरे विशाल भाई फार्म हाउस है, चंदू गांव, चंदू नहीं है, फरुख नगर बुला लिया भाई, नहीं फरुख नगर भी नहीं, काली आवास है भाई, नाम ही ऐसी जगह है खतरनाक, चंदू नाम हाँ। धोखा कर दिया, धोखा किया है। अरे यार तीन चार अपने चैनल का नाम बताओ भाई, आप आपके चैनल का नाम क्या है भाई? जेरी डागर, जेरी डागर इनके चैनल का नाम है, इनका शूट चल रहा है अब, ये और हम एक ही हो चुके हैं, एक ही टीम हो गई हमारी। आइयो ये चल रहा शूट, लड़की आ गई शूट पे, इसके बाद शूट, इसके शॉट काटेंगे, एक्शन लेंगे। ये
भयंकर गर्मी में शूट चल रहा है, और यहाँ पे जो लोकेशन पे आए थे यहाँ पे इनके यहाँ लाइट ही नहीं है, तो अब दूसरी लोकेशन पे जाना है। ये जेरी डागर उर्फ विनय डागर, इसका चैनल है। तो भाई वो क्या था, आपने मुझे कौन से काम बुलाया था? भाई चंदू काम बुलाए थे, चंदू मेरी है? कोई नहीं, सॉरी बोलते हैं चंदू नहीं, इंसान का तुमने मामा बना दिया, बता तुम्हें। कोई नहीं भाई, अब की बार भाई अब कहाँ लेके जा रहे हो आप? मांडोटी में बुलाऊंगे अब की बार, हरियाणा मांडोटी बहादुरगढ़। मैं नहीं आना, तुम्हें ग्रेटर नोएडा आना पड़ेगा। कोई ना, ग्रेटर नोएडा भी आ जाओ। आप कौन सी लोकेशन पे जा रहे हो? दौलताबाद। दौलताबाद यहाँ क्या दिक्कत आ रही है? यहाँ पे हल्की सी लाइटनिंग वाइटनिंग की दिक्कत है, तो बिल्कुल ऐसे गच फार्म हाउस, बिल्कुल आर पार। चीता चीता मेरी शेर। जिस लोकेशन पे पहले गए थे, जिस गांव में इन्होंने बुलाया था शूट के लिए, वहाँ पर उनके यहाँ लाइट ही नहीं थी, तो अब ये दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, देखते हैं क्या है वहाँ पर। बहुत ही मतलब थक गया भाई, क्योंकि इन्होंने जो दूसरी लोकेशन बताई, ये लोग को गाड़ी से चले गए, हम लोग स्कूटी से आ रहे थे पीछे पीछे, तो अब ये लेने आ रहे हैं हमें, क्योंकि हम रास्ता भटक गए। खड़े हुए हैं, अपना स्कूटी लेके वेट कर रहे हैं। देखो सावन दिखाऊं, सावन का बैठा है। क्या कर रहे हो? गर्मी में हालत खराब हो गई यार। गर्मी में हालत खराब हो गई, किसने कराई? विनय ने कराई। विनय ने है, विनय से बदला लेंगे हम इस चीज़ का। यार भाई ना क्या आया था, अच्छा पूरा बहन से देख रहे हो हाथ। अब शूट पे जाएंगे दोबारा से, जो भी लोकेशन है, पहले तो मैं जाके मुँह हाथ धोऊंगा भाई। आ गए ये लोग लेने हमें। ये लोकेशन है भाई अपनी, फ्लाईओवर के पास ये रूम है जहाँ शूट। ये विशाल भाई है, आए कर दो। मैं थक गया। कैसे थक गए? बहुत ज्यादा, अभी तो रह रहा है शूट, अभी इंडोर के शॉट है, फिर आउटडोर के हैं। कोई नहीं, जल्दी होके फ्री करके फिर मोमोज खान चल रहे हैं। तैयार हो गए भाई? भाई आ रहे हो ऑफिसर, एक बहुत प्राइड की नौकरी। अच्छा ये बताओ भाई, ये जो ब्लॉग है, मैं तुम्हारी वीडियो के बाद डालूंगा, वरना वीडियो लीक हो जाएगी। अगर रहे ना बिल्कुल 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 भाई। कितने बज गए काम भाई? 5 बज चुके हैं। कितने बजे शूट कंप्लीट हो जाएगा भाई? 2-3 घंटे आपके ऊपर है। 2-3 घंटे भाई, अब आप देखिए कितनी देर में जल्दी। मैं बताता हूँ देखो क्या होगा, अब सीन एक है ऊपर रूम वाला, ठीक है भाई, ठीक है, उसमें तुम्हारी एंट्री होगी, वो सीन ठीक है भाई, है ना, वो सीन ऊपर का ऐसे कंप्लीट हो, उसके बाद नीचे का सीन है आउटडोर के, मैं गेटअप कर लेता हूँ, उसमें तो 10-10 मिनट भी नहीं लगने कंप्लीट होने में। बस ये गेटअप करके दिखाना, रोटी खा लो। सावन भाई भूखे हैं, देख रहे हो ऐसी चल रही है। हाँ जी, किस बात का गुस्सा है? बस जी शूट बढ़िया हो गया, खुश है हम तो। मेरे बाल कैसे करवा दिए भाई आपने? मेरे भाई अब शूट में क्या रह गया एग्जैक्टली बताओ भाई। एग्जैक्टली वैसे पढ़ने का सीन, मेहनत कैसे करता है एक इंसान ऑफिसर बनने के लिए, वो रह गया, वो करते हैं। तो वो सीन हमारा सावन शूट करेगा भाई, कर दे ऑलराउंडर सिनेमेटोग्राफर, मेरी जान है, ठीक है। और इसके बाद फिर हमारा पैकअप है भाई, पैकअप है, बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक लेंगे हम, बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक भी, और जो जो करे अपने घर चले जाए कोल्ड ड्रिंक लेके। खुशी हुआ शूट। हाँ राहुल कैसा रहा शूट? बढ़िया मेरे भाई, का अपना परिचय दो, हम कौन हो? माय नेम इज राहुल दलाल, आगे ना मेरा भाई। तो गाइज ये था हमारा आज का शूट, और ऐसे ही व्लॉग आपको देखने के मिलेंगे विनय भाई के साथ, और अजय भाई के साथ भी करेंगे, मतलब ये तो अपने भाई हो गए कासम खास, आगे व्लॉग चलते रहेंगे। और ना जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बाय।